आप सब, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं ऋषभ अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सचेंज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो भाई हम जो है आपका जो क्लास 10 साइंस का कौन से चैप्टर डिस्कस कर रहे थे भाई, हम जो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे किसके बारे में भाई, हम बात कर रहे थे इकाई 8 है ना, इकाई 8 मतलब यूनिट नंबर 8 का चैप्टर नंबर 8, जिसमें दीर्घ अंक वाले जो प्रश्न है उसके बारे में डिस्कस किए थे। और आज हम उसी को क्या कर रहे हैं भाई, कंटिन्यू करने वाले हैं। जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर कि आपके जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क को कितने डिवाइड में, कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, और उसके क्या क्या होती है उसके पोर्शन, जैसे कि अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़े थे, पश्च मस्तिष्क के बारे में पढ़े थे, वो सब कंप्लीट किए थे पिछले लेक्चर में। आज हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं जो बच गए पोर्शन, जैसे कि तंत्रिका के बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो कि किससे, कौन से चैप्टर के है भाई, जैविक प्रक्रियाएं नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल करने वाले जो है। जैसे कि मैं बताया था कि गर्म बर्तन में आप हाथ जैसे लेके जाते हो तुरंत आप क्या कर देते हो भाई, तुरंत रिएक्ट करके उसको हाथ को दूर कर लेते हो, ये सब की जो नियंत्रण है, जो क्रियाएं हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे भाई। तो शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत करते ही हमें पता चलता है सर कि जो तंत्रिका कोशिका होती है ना, तंत्रिका कोशिका है वो उसका क्या आता है, वो जो है उसका संपर्क होता है आपके ब्रेन से। ब्रेन में, मस्तिष्क में कैसे संपर्क होता है सर, जो आपके जो माइंड है ना, जो ब्रेन है उसका मैं डिवाइड कर दूं अगर दो तीन भाग में, जैसे बटा था, वो जो है कहीं ना कहीं आपको पूरा बॉडी को संचालित कर रहा है। अगर वो बॉडी को संचालित कर रहा है सर, तो कुछ तंत्रिकाएं पाई जाती होगी, कुछ कोशिकाएं पाई जाती होगी, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जो कि कैसे दिखाई देता है भाई। अगर सूक्ष्म रूप से बात करूं तो ये इस रूप में रेशेदार के रूप में दिखाई देता है और चैन के रूप में बढ़ता है, चैन मतलब शाखित श्रृंखला के रूप में। तो यहाँ पर कुछ दो तीन वर्ड है, जैसे कि क्या, एक्सॉन, एक्सॉन वर्ड है, और एक दो और ऐसे ऐसे वर्ड है जिसके बारे में अभी डिस्कस करने वाला हूँ, उस पर चलते हैं। और साथ ही क्वेश्चन देखेंगे सर कि ये बड़े बड़े क्वेश्चन में किस टाइप से आया था, तो ये कब कब आया था भाई, ये जो है एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कर रही है, वो कि वो कब आया था, 2017 और 2022 में रिपीट हुआ था। अब 2022 में आया सर, तो इस बार के चांसेस कम है, लेकिन ये जो है अगर छोटे से क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो उसके लिए भी आपको आना चाहिए, बनाने आना चाहिए और डायग्राम भी बनाने आना चाहिए भाई। तो डायग्राम की बात करूं तो मैं डायग्राम के बता दूं कि तंत्रिका का जो अंतिम सिरा है वो कैसा है भाई, चैन के रूप में, साखित के रूप में बढ़ता रहता है, और जो अंतिम जो सिरा के साथ साथ जो क्या है भाई, उसका जो सीक्वेंस बना हुआ है, जो केंद्रक है, केंद्रक, माइटोकांड्रिया, ये सब तंत्रिका कोशिका के अंतर्गत आता है। सर ये तंत्रिका कोशिका होती क्या है एक्चुअल में, तो मैं बता दूं इसके बारे में भाई, सभी संवेदनाएं, सभी भावनाएं जो व्यक्त करते हैं हम, उसका संपर्क होता है ब्रेन से। अब ये ब्रेन से होता है सर, तो अगर कुछ चीजें, जैसे कि मैं बोलूं, जिस बोल देते हैं जैसे उसका ब्रेन जो है क्या हो गया, कुछ खराब हो गया, या फिर ये बोल सकता हूँ कि उसका ब्रेन जो है चोटिल हो गया, तो याददाश्त चली गई, या फिर कुछ ऐसे जगह है उसके शरीर के, या फिर ऐसे कुछ पोर्शन है जहाँ पर उनको संवेदनाएं नहीं महसूस हो रही, उसको दर्द ही नहीं हो रहा है, ऐसा जब हम सुनते हैं उस टाइम में बात आती है किसकी, तंत्रिका कोशिका की। तंत्रिका कोशिका की ही मैं बात करूँ तो कुछ जगह जैसे कि मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु है ना, और आपके क्या भी मेरुदंड, ये जो है आपका क्या होता है, इसका संपर्क आपके पूरा ब्रेन से लेकर आपके पूरा बॉडी ऑर्गन में पूरा रहता है। तो ये होने के कारण क्या होता है सर, इसमें कुछ डैमेज होती है, या फिर इसमें कुछ भी अफेक्ट होता है, हमारे शरीर में कुछ भी नुकसान होता है, तो उस शरीर, उस अंग, उस जगह पे संवेदनाएं सुनने दिखाई देती है ना। तो ये स्ट्रक्चर है उसका, और इसका और अच्छे से स्ट्रक्चर आपको करना है, ये रेफरेंस के तौर पर लाया था मैं, आपको अच्छे से देखना है तो आपके बुक में बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिया है, उसमें ए टू जेड चीज को बताया गया है क्या होती है, और उसका कार्य भी अच्छे से वर्णन किया भाई, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो हमें क्या पता चलता है सर, उसके तंत्रिका से कुछ दो से तीन कार्य है। पहला कार्य है सर कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है भाई, वो जो आपके मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ना क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, संवेदी अंगों पर नियंत्रण एवं समन्वय कार्य रखता है, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है, और शरीर की सभी संवेदनाओं को अनुभव करने की क्षमता में सहायक होता है। कौन भाई, वो जो तंत्रिका कोशिका होती है वो, ठीक है बच्चों, यहां तक की बात समझ में आई, ये चीज है किसका कार्य है, तंत्रिका कोशिका का, ठीक है, ये समझ में आया। और हमारी आंखों के पर्दे प्रकाश के प्रति संवेदी, नाक गंध के प्रति संवेदी है, हमारी त्वचा ठंडा, गर्म, दाब, दर्द जैसी तरह तरह की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, ये जो क्षमता है जो तंत्रिका कोशिका के माध्यम से होती है। क्यों, मैंने आपको ब्रेन वाले जो वीडियो था उस पर पूरा एटूजेट समझाया था कि कैसे डिपेंड करता है, कैसे कोई चीज श्वसन के लिए कौन सा ब्रेन जो है एक्टिव रहता है, पीयूष ग्रंथि क्या होती है, मास्टर ग्रंथि क्या होती है, ये सब पूरा डिटेल्स बताया हुआ बच्चों में, है ना। तो उसी बात को ये भी बोल रहा है कि तंत्रिका कोशिका जो कि उसके अंतर्गत पाया जाता है, जो कि बहुत छोटा, जो बहुत सूक्ष्म रूप होता है, वो बोलता है कि हमारी आंखों के पर्दे जो प्रकाश को देख पा
पा रही है, अनुभव कर पा रही है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप हमारे वीडियो देख पा रहे हैं और साथ ही साथ हमें सुन भी रहे हैं, सुनने के लिए कान का यूज हो रहा है, उसकी संवेदनाएं पहुंच रही है, और जैसे ठंडी आए तो ठंडी लगना वो टेम्परेचर को महसूस कर पा रहा है, गर्मी आए तो गर्मी लगना, वो सब जो है संवेदनाएं के अंतर्गत आते हैं जो कि तंत्रिका कोशिका का कार्य होता है। यहाँ तक की बात समझ में आई बच्चों? क्लियर। अब आगे देखते हैं सर कि ये जो है, अब देखो क्वेश्चन देखो अब कैसे आएगा, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है, ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, जो कि 2017 में पूछा गया है। सर देखो तंत्रिका कोशिका मैं बहुत शॉर्ट में बताया हूँ क्योंकि इसका चांस जो है रिपीट होने का चांस कम है, क्योंकि 17 में पूछा है, 22 में पूछा गया है, ठीक है, लेकिन आपको तैयारी करना ही है, मैं बताया रेफरेंस तौर पर बताया, और आपको उसका वर्क को अच्छे से आप बिल्कुल समझिएगा, करिएगा, बुक से बिल्कुल कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स चाहिए आएगा तो आप हमारे ऐप में ही वेबसाइट एजुकेशन फॉर एक्सलेंस में, उसमें पूरा डिटेल डिटेल से वीडियो डाला हुआ है, ठीक है बच्चों। तो देखो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रिया। अब अनैच्छिक क्रिया बोलते ही पता चलता है सर क्यों, ऐसी कुछ क्रिया है जो हमारे मर्जी के बगैर होती रहती होगी वो कराती है क्या, अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है, डेफिनेशन और पढ़ना पढ़े तो पढ़ लेते हैं भाई। हमारे शरीर में कई ऐसी क्रियाएं चलती रहती है सर जिनका हमें पता नहीं चलता, जैसे अमाशय में पाचन क्रिया का होना है ना, डाइजेशन का सिस्टम होना, भाई तुम खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो, वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है वो पता चल रहा है क्या आपको? नहीं सर हमें पता ही नहीं चलता, हो जरूर जा रहा है, अगले दिन हम फ्रेश हो रहे हैं, हम अपशिष्ट पदार्थ को त्याग कर रहे हैं लेकिन फिर खाना खा रहे हैं, फिर ये सब चीज चल रहा है, तो ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पता चल पाता है क्या आपको? नहीं पता चल पाता है ना भाई। रक्त की नलिकाओं में विभिन्न पदार्थों का आवागमन, पाचक रसों का स्त्रावित होना, गर्म चीजों का हाथ से स्पर्श होने से ही तुरंत हाथ का हट जाना, ठीक है, इस तरह की क्रियाएं जो क्या होती है भाई, हमारी इच्छा के नहीं हो पाती, ये जो संचालित होती है उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। बात समझ में आई भाई? और बोलता है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, अब आ गया इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में कई बार बोला हूं, कुछ अनुक्रियाएं तुरंत हो जाती है और मस्तिष्क के आदेश के बिना ही हो जाती है, बिना कुछ रिएक्ट किए है ना, बिना कुछ सोचे समझे जो चीज हो जाती है वो क्या कहलाते हैं भाई, प्रतिवर्ती क्रिया है। इस प्रकार की अनुक्रिया स्वतः प्रेरित क्रिया है, स्वतः इंड्यूस हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, इस क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, जो कि मेरुरज्जु द्वारा संपन्न होती है, मेरुरज्जु से कनेक्ट होकर कंप्लीट होता है, ये कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे कि पलकों का झमकना, छींकना, खांसना आदि प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता, जबकि अनैच्छिक क्रिया भी क्या है भाई, इसके अपोजिट है। बात समझ में आई भाई, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया, ये 3 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है भाई, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर जो भी पूछना चाहे है ना, मैं तो डिवाइड कर चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई भाई। चलो आप देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको पढ़ लेते हैं और थोड़ा आपको याद कराने का कोशिश करते हैं भाई, ठीक है, लंबा है क्वेश्चन ये, किन्हीं 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, स्रोत, स्त्रावित हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखिए। 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम है ना, 5, तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा आपको याद करने के लिए थोड़ा से मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, तो देखते हैं भाई 5 कौन कौन से है सर। पहला तो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के बारे में बताया था जब हम MCQ क्वेश्चन डील कर रहे थे, तो इसका क्या नाम है भाई, क्या कार्य है, और थायरॉक्सिन होता है, ठीक है सर, और हार्मोन के मुख्य प्रभाव क्या है, शरीर में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है और वृद्धि करता है सर, और अल्पस्रावण का क्या प्रभाव होगा, अगर कम कप रूप से बहे तो क्या होता है सर, शरीर बौना हो जाता है और मस्तिष्क जो है कमजोर हो जाता है। अति स्रावण ज्यादा रूप में बहे तब क्या होता है सर, ग्लूकोज व ऑक्सीजन की खपत आदि का बढ़ना, थकावट, उच्च ताप व घबराहट और कंपन का होना, यह हुआ किसके बारे में, थायराइड ग्रंथि के बारे में। और अब देखो पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि क्या होता है सर, इसका देखो क्या होता है, वृद्धि हार्मोन होता है या फिर थायरोट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं जिसे एडिनोकार्टी, और क्या है, कोट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं इसी को, और एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे FSH व्यक्त किया जाता है। अब इसे क्या क्या है सर, देखो शरीर के आकार का नियंत्रण करता है थायराइड, ठीक है, बचपन में वृद्धि का रुकना, इससे उसका क्या हो जाए, तो अगर कम बढ़े तो कम मिले आपके बॉडी में तो, और ज्यादा बहे तो बचपन में अनुपातिक भीमकाय शरीर हो जाता है, अगर ज्यादा हो जाए तो मतलब हैवी हो जाता है, ठीक है। एडिनल कार्टिकस के स्त्राव का नियंत्रण करता है मादा में अंडों का निर्माण तथा नर में शुक्राणुओं के निर्माण एवं स्त्रावण के लिए भी एक इसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी यूज होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो और क्या है सर, तीसरा देखो पैंक्रियाज है, हाँ इसको देख लेना आप, कवर कर लेना भाई क्या बोलता है, देखो ये इसका ये भी है, ये जो आपका ADH है और जो LH है, दूध निर्माण में स्त्रावण में है ना, जो फीमेल बॉडी रहता है उसके लिए क्या है भाई, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी इसका यूज होता है, रुधिर में जल की मात्रा नियंत्रण करता है, और जैसे यूरिन जो है वो क्या होता है भाई, थीक जाता है, थीक ना होकर के क्या होता है भाई, पतला जाता है, ये इसका क्या है भाई, रीजन है, ठीक है, देख लेना बच्चों।
अब देखो पेनक्रियास के बारे में बात करूं, इंसुलिन जिसका क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, ये क्या होता है सर? ग्लूकोज का उपापचय के लिए यूज होता है और रक्त में शर्करा की मात्रा अधिकता अर्थात मधुमेह। जब भी डायबिटीज की बात करें तो मैं बात करूं किसका? इंसुलिन का। किसका भाई? इंसुलिन का। हमेशा आपको याद रखना है इंसुलिन का यूज होता है सर आपके बॉडी में, लेकिन कब? जब ये डायबिटीज का जब भी बात आए तो इंसुलिन नाम के हार्मोन का मैं चर्चा करूंगा, हमेशा पूछा जाता है भैया, याद रखना। रक्त में शर्करा की कमी अर्थात हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं जिसे, ठीक है? यहां तक की बात समझ में आई भाई? और देखो भाई जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि का यूज क्या होता है बच्चों? जनन ग्रंथि जिसे कहां का यूज होता है इसका? इसका यूज होता है अंडाशय में, ओरी में यूज होता है एस्ट्रोजन, ठीक है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण मादा में, फीमेल के बॉडी में, मादा में जनन क्षमता की विकास की दर धीमी हो जाती है अगर ये कम यूज होता है, और ज्यादा होता है क्या होता है भाई? कम उम्र में लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की उपस्थिति हो जाती है, ठीक है, जब ज्यादा यूज होता है तो। फिर देखता हूँ मैं क्या, वृषण टेस्टिस में क्या होता है सर? टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है और नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है और लैंगिक अंगों का कम विकास होता है, क्यों? कि कम फ्लो हो रहा है इस कारण से, कम उसका स्त्रावण होगा तो, और ज्यादा होगा क्या सर? अल्पायु में ही लैंगिक लक्षणों का दिखाई देना, कम उम्र में ही ज्यादा क्या होगा भाई लैंगिक लक्षण, मतलब क्या उसके हार्मोनल चेंजेस आएंगे बहुत ज्यादा उनको, कहा जा सकते तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज्यादा उसको स्त्रावित होगा उसके बॉडी में, जब ज्यादा हो जाएगा तो, और कम रहेगा तो लैंगिक अंगों का विकास ही नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा उसके जनन के अंग जो है ना, जनन का हार्मोन जो है, ठीक है बच्चों। और देखो लास्ट है एड्रिनल ग्रंथि, इसमें क्या होता है सर? कॉर्टिस्टेरोन होता है जो कि प्रोटीन को शक्कर में बदलने का काम करता है, ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई? ठीक, क्लियर। तो ये क्या हुआ सर? ये हुआ हमारा क्या, पांच अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, ठीक है बच्चों। ये छोटा मोटा क्वेश्चन बच गया था जिसके बारे में चर्चा की है। तंत्रिका कोशिका को आप बहुत अच्छे से देख सकते हो भाई, क्योंकि ये आने का चांस कम है इस कारण से मैं इस पर ज्यादा वीडियो लंबा लेके नहीं गया, क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि आप इस यूनिट का सबसे लास्ट और फाइनल लेक्चर बचा हुआ है उस पर चलेंगे भाई जल्द ही। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आया होगा बच्चों, उम्मीद है मुझे, और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा ये मान के चलता हूँ। और यहाँ तक का वीडियो आपको जितना भी हम कंप्लीट कराया है, अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए, हम आने के तत्पर है। और बिल्कुल अपने स्टडी जारी रखिए बच्चों, हमारा एग्जाम सीरीज मिशन 2023 जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।